तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सीएनसी मैकेनिकल सॉल्यूशन पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारा ग्राइंडिंग व्हील होता है, इसके क्या क्या हमारे नॉमिनिक्लेचर होते हैं, किस मटेरियल का बना होता है, ठीक है, इसको कैसे हम यूज़ करते हैं। आज की इस वीडियो में पूरे हम जितने भी हमारे ग्राइंडिंग व्हील्स के बारे में डाउट्स होंगे सारे क्लियर करेंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, प्लीज़ आप वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें अगर आपको ग्राइंडिंग व्हील से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर करने हैं। तो फ्रेंड्स, मैं पंकज और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल सीएनसी मैकेनिकल सॉल्यूशन। और जो व्यूअर्स मेरे चैनल पर अभी नए आए तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरुआत करने में हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आइए शुरुआत करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो की। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि हमारा जो ग्राइंडिंग व्हील है वो होता क्या है। देखिए दोस्तों, हमारा जो ग्राइंडिंग व्हील है ये एक प्रकार का हमारा कटिंग टूल है, जो हमारा असंख्य जो हमारे छोटे छोटे कटिंग एज होते हैं, देखिए हमारे ये जितने भी हमारे ये कटिंग एज हैं ये छोटे छोटे, इनको मिलाकर बनाया जाता है। दोस्तों, इस ग्राइंडिंग व्हील के द्वारा जो हमारी धातु होती है उसको हम छोटे छोटे कणों के रूप में काटते हैं। दोस्तों, इस ग्राइंडिंग व्हील का अब हम यूज कहाँ करते हैं, इस ग्राइंडिंग व्हील को हम जो हमारी ग्राइंडिंग मशीन होती है उस पर हम इसको फिट करते हैं। फिट करने के बाद हम इस ग्राइंडिंग व्हील का यूज करते हैं। सभी तरह के जो हमारे कटिंग टूल्स होते हैं उनको, उनकी जो धार होती है उसको तेज करने के लिए हम लोग इस तरह के ग्राइंडिंग व्हील्स का प्रयोग करते हैं। और कहाँ पे प्रयोग करते हैं हम लोग, इसको ग्राइंडिंग व्हील पर लगा के। अब दोस्तों देखिए, बात आती है ग्राइंडिंग व्हील, जो हमारा ग्राइंडिंग व्हील होता है ये किस मटेरियल का बना होता है। देखिए दोस्तों, जो हमारा ग्राइंडिंग व्हील होता है ये हमारा जो हमारा एब्रेसिव जो हमारे कण होते हैं उनसे मिलकर बना होता है। एब्रेसिव हमारा एक बहुत ही जो हमारा हार्ड और एक चिमड़ा पदार्थ होता है जिसे तोड़ने पर वह है, अगर हम जब उसको तोड़ते हैं तो वो छोटे छोटे तेज धार वाले टुकड़ों में बढ़ जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें छोटे छोटे कण है, जब हम एब्रेसिव जो हमारे एब्रेसिव कण होते हैं जब हम उसको तोड़ते हैं तो बिल्कुल छोटे छोटे जो हमारे तेज धार वाले टुकड़े होते हैं उसमें बढ़ जाता है। दोस्तों, यही हमारे जो ग्राइंडिंग व्हील होते हैं ये हमारे कटिंग एज का काम करते हैं। तो दोस्तों, बात करेंगे जो हमारे एब्रेसिव जो हमारे कण होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। हमारे दोस्तों दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हमारा नेचुरल एब्रेसिव जिसको हम प्राकृतिक एब्रेसिव बोलते हैं, और एक होता है हमारा आर्टिफिशियल एब्रेसिव जिसको हम कृत्रिम एब्रेसिव बोलते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे जो हमारा नेचुरल एब्रेसिव होता है वो क्या होता है। देखिए दोस्तों, जो हमारी धरती पर जो हमारा प्राकृतिक रूप से जो हमारा एब्रेसिव पाए जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक एब्रेसिव यानी नेचुरल एब्रेसिव। अब देखिए, जैसे अभी ये प्राकृतिक एब्रेसिव कौन कौन से होते हैं दोस्तों, ये होते हैं हमारे एमरी, कोर्डम, सैंडस्टोन, हीरा। इसमें देखिए दोस्तों, जो सबसे जो महंगा और जो सबसे अच्छा होता है वो होता है हमारा हीरा, पर क्या करते हैं वो ज़्यादा महंगा होने के कारण हम इसको ज़्यादातर प्रयोग नहीं करते हैं। अब देखिए दोस्तों, दूसरे नंबर पर बारी आती है हमारी आर्टिफिशियल एब्रेसिव की, यानी जो हमारा एक कृत्रिम एब्रेसिव होता है। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा एक प्रकार का बनावटी एब्रेसिव होता है, इसे हम क्या करते हैं इलेक्ट्रॉनिक जो हमारा फर्नेस होता है उसमें हम इसको तैयार करते हैं। दोस्तों, ये भी आर्टिफिशियल भी हमारा दो प्रकार का होता है, एक होता है हमारा एल्युमिनियम ऑक्साइड और एक होता है हमारा सिलिकॉन ऑक्साइड। अब सबसे पहले हम जानेंगे कि हमारा जो एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है वो क्या होता है। देखिए दोस्तों, एल्युमिनियम ऑक्साइड को बनाने के लिए हमें जो हमारा बॉक्साइड जो नाम का हमारा जो खनिज होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा आर्क टाइप जो इलेक्ट्रॉनिक फर्नेस होती है उसका प्रयोग हम इसको बनाने के लिए करते हैं। देखिए दोस्तों, इसका जो रंग होता है, देखिए सबके जो जितने भी हमारे ग्राइंडिंग व्हील होते हैं सबका रंग अलग अलग होता है। इसका रंग क्या होता है दोस्तों, नीला या लाल भूरा होता है। अगर हम इसकी हार्डनेस की बात करेंगे तो इसकी हार्डनेस कितनी होती है, 9.6। इस एब्रेसिव का प्रयोग दोस्तों हम कहाँ पे करते हैं, जो हमारे हाई टेंसिटिव जो स्ट्रेंथ के जो हमारे धातु होती हैं उनको ग्राइंड करने के लिए हम इस जो हमारा एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है इस तरह के व्हील का हम उसको प्रयोग करते हैं। जैसे हमारे अलॉय स्टील हो गए, हमारा हाई स्पीड स्टील हो गया, हाई कार्बन स्टील हो गया, और हमारा जो माइल्ड स्टील होता है उस तरह के, जो हम अगर इस तरह की जो हमारी हाई टेंसिटिव स्ट्रेंथ वाली धातु अगर हमने ग्राइंड करना हो तो हम किस तरह के व्हील का प्रयोग करेंगे, जो हमारा एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है। देखिए दोस्तों, जो इस तरह के जो हमारे एब्रेसिव होते हैं उसको जो हमारा अंग्रेजी का ए अक्षर होता है उस अंग्रेजी के ए अक्षर से दर्शाया जाता है। देखिए दोस्तों, ये हमारे जो हमारे एल्युमिनियम जो हमारे ऑक्साइड होते हैं ये भी हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हमारा रेगुलर एल्युमिनियम ऑक्साइड जिसको हम अंग्रेजी के ए अक्षर के द्वारा दर्शाते हैं, और एक होता है हमारा व्हाइट एल्युमिनियम ऑक्साइड जिसको हम अंग्रेजी के दो बार अगर हम ए लिखेंगे तो उस दो बार ए अक्षर को लिखने से हम इसको दर्शाते हैं। अब दोस्तों, बारी आती है हमारे दूसरे की, जो हमारा होता है सिलिकॉन कार्बाइड। देखिए दोस्तों, जो हमारा सिलिकॉन जो हमारा कार्बाइड के जो हमारे जो व्हील्स होते हैं वो हमारा सिलिकॉन और कार्बन के मिश्रण से तैयार करके बनाया जाता है।
इसमें देखिए दोस्तों, जो हमारा जो सिलिका सैंड और जो हमारा सारडस्ट और जो नमक होता है उसको एक निश्चित मात्रा में मिला लिया जाता है, और उसको निश्चित मात्रा में मिलाने के बाद उसको जो हमारी रेजिस्टेंस, जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक फर्नेस होती है, उसको हम 4000 डिग्री फारेनहाइट पर हम उसको क्या करते हैं, तापमान पर 30 घंटे तक रखा जाता है। उसके बाद उसको जब वो पिघल कर जब हमारा वो ठंडा हो जाता है, तो उसके बाद क्या बनता है हमारा सिलिकॉन कार्बाइड। दोस्तों ठंडा होने के बाद इसको हम क्या करते हैं, इसको हम तोड़कर अलग अलग और उसको जो छलनी होती है उसमें छान लिया जाता है। उसके बाद क्या होता है, हमारे पास ये छोटे छोटे कण आ जाते हैं। अगर हम इसकी बात करें इसकी हार्डनेस की, जो हमारा सिलिकॉन कार्बाइड होता है, तो इसकी जो हार्डनेस होती है वो होती है 9.87। कितनी होती है? 9.87। इसका प्रयोग देखिए दोस्तों, हम जो हमारे लो टेंसाइल के जो हमारे धातु होती है उसको हम ग्राइंड करने के लिए सिलिकॉन कार्बाइड के जो व्हील्स होते हैं उनका यूज करते हैं। जैसे हमारा कास्ट आयरन, पीतल, तांबा, अल्मोनियम, शीशा आदि जो हमारे ये लो टेंसाइल के जो हमारी धातु होती है उसको हम ग्राइंड करने के लिए किसका यूज करते हैं, सिलिकॉन कार्बाइड्स के व्हील का। अगर हम इसके रंग की बात करें तो जो इसका रंग होता है वो काला और हरा होता है। देखिए दोस्तों, इसको भी हमारा दो भागों में बांट जाता है। जो एक भाग होता है हमारा ब्लैक सिलिकॉन कार्बाइड, जिसको हम अंग्रेजी के सी अक्षर के द्वारा दर्शाते हैं। इसका प्रयोग हम क्या करते हैं, जो हमारे लो टेंसाइल स्ट्रेंथ वाली धातु होती है उसको ग्राइंड, जैसे जो हमारी सरफेस ग्राइंडिंग के लिए, इंटरनल ग्राइंडिंग के लिए और जो सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग के लिए जो यूज होते हैं, वहाँ पे हम ब्लैक सिलिकॉन कार्बाइड के व्हील का यूज करते हैं। और दूसरे की बात करेंगे तो हमारा ग्रीन सिलिकॉन कार्बाइड, जिसे हम अंग्रेजी के जी सी अक्षर के द्वारा दर्शाते हैं, यह हमारा हरे रंग का होता है। इसका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, जो हमारी स्पिंटेड कार्बाइड की जो हमारी बिट होती हैं उनको हम ग्राइंड करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब बात आती है कि जब आप इस व्हील को लेने के लिए जाओगे तो आपको इसको कैसे पता लगेगा कि हमारा व्हील का जो कितनी क्या उसकी स्पेसिफिकेशन है, तो मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए हमारे व्हील के ऊपर जो इसकी स्पेसिफिकेशंस होती है वो देखिए यहां पे लिखी गई है। ये देखिए जो इसका 200, ये 200 क्या होता है, इसका आउटर डायमीटर होता है। इसकी थिकनेस होती है वो हमारी यहाँ पे देखिए, इसकी थिकनेस कितनी है यहाँ पे लिखा हुआ है, इसकी थिकनेस है हमारी 25 mm, और जो इसकी जो शाफ्ट का जो हमारा डायमीटर होता है वो होता है 31.75, जहाँ पे कि हमारा जो हमारा ग्राइंडिंग व्हील होता है उसके ऊपर इसको फिट किया जाता है। अब देखिए दोस्तों, आप इस तरह से मार्केट में जाके इस व्हील को खरीद सकते हैं। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो हमारा ये ग्राइंडिंग व्हील होता है इसको हम कहाँ पे लगाते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो हमारे ग्राइंडिंग व्हील्स होते हैं, देखिए हमारा ग्राइंडर है, इस पे जो हमारे शाफ्ट होती है उसकी सहायता से हम इसको इस पे क्लैंप करते हैं, और फिर हम इसको जो अलग अलग तरह के जो हमारी धातु होती हैं उसको ग्राइंड करने के लिए इसका यूज करते हैं। तो दोस्तों, ये जो आज की वीडियो में मैंने आपको बताया हमारी पूरी ग्राइंडिंग व्हील के बारे में नेसेसरी इन्फॉर्मेशन थी। आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको जितने भी ग्राइंडिंग व्हील्स के बारे में इन्फॉर्मेशन आपको पूरी अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं, मैं आपके उन सवालों का जवाब जरूर दूंगा। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर सीएनसी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड वीडियो, लेथ मशीन से रिलेटेड वीडियो और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड वीडियो सारी अपलोडेड है, आप उनको देखकर अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हो। तो दोस्तों, बहुत ही जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।